नाजन करेंगे अहले नजर ताज़ा बस्तियां आबाद, रूडा स्पेशल शो, आइए हमारे साथ। नाजन इस वक्त हम रूडा के मेन ऑफिस में मौजूद हैं। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक नया शहर आबाद कर रहे हैं, और उस शहर में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट जो कभी किसी ने सोचे नहीं थे, कभी किसी ने देखा नहीं था कि हमारे इस इकोनॉमिक क्रंच में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा और कहीं ना कहीं इकॉनमी को रन करने में अपना रोल प्ले करते रहेंगे। इस प्रोजेक्ट के बारे में हमेशा जब भी हम शो करते हैं आपको ग्राउंड रियलिटीज़ दिखाते हैं, उन जगहों पर जाकर उन प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करते हैं जिससे अल्टीमेटली पाकिस्तानियों को, ख़ासतौर पर लाहौरियों को फ़ायदा होगा। और जिस तरह से रिसोर्सेज जनरेट हो रहे हैं, सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि एक प्रोजेक्ट है बल्कि जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, कमर्शियल हब्स बन रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ को स्टैब्लिश किया जा रहा है और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए अपना रोल प्ले किया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। आपको याद होगा एक शो हमने किया था चारबहार, और वहाँ जाकर ना सिर्फ आपको वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़, रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ और जिस तेज़ी से वहाँ पर काम चल रहा था वो दिखाया गया था। अब उसकी कामयाबी के बाद जब वो पूरा सोल्ड आउट हो गया, इन्वेस्टर्स का एतमाद उस पर आया, लोगों का एतमाद उस पर आया, तो उसके बाद उसका प्रोजेक्ट 2 जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब आपके लिए वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो आप ढूंढना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि किस तरह से आप ना सिर्फ अपना पैसा सेव कर सकते हैं बल्कि पे बैक गारंटी भी कर सकते हैं, इस पर आज बात करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कमर्शियल काशिफ कुरैशी साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल है? इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, लेकिन हमेशा लाहौरियों को जब भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है हम भाग के आपके पास आ जाते हैं। Always pleasure to have you कि वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम दे सकें। काशिफ साहब, चारबहार जो 1 है, सबसे पहले तो मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगी कि बहुत कम टाइम में वो पूरे का पूरा प्रोजेक्ट ना सिर्फ कंप्लीट हुआ बल्कि उसका जो फीडबैक है वो बहुत ज़बरदस्त रहा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, चारबाग 1 जो है, हमने जो डेवलपमेंटल जो हमने साइकिल सोचा था उससे तकरीबन यू नो ऑलमोस्ट 5-6% वी आर जो कर्व है उससे वी आर अहेड ऑफ दैट डेवलपमेंटल का जो हमने सोचा था। और जो हमने सोचा था जो बेचने का जो प्रोजेक्शन हम बनाते हैं, ऑब्वियसली एज अ कमर्शियल एंटिटी हम उसको प्रोजेक्ट भी करते हैं कि आगे किस तरह बिकेगा। सो वेरी हैप्पी टू शेयर दैट तकरीबन 100% इन्वेंट्री जो रेजिडेंशियल की वो तो पहले ही बिक चुकी थी। अब जो कमर्शियल हमारी इन्वेंट्री वो भी हमने काफ़ी हद तक तकरीबन सेल कर लिए, थोड़ा बहुत एमिनिटीज़ के प्लॉट रह गए और एक बड़ा हमारा सिग्नेचर टावर्स है जो कि एक अमेरिकन के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, अगर वो हो जाता तो इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सो आई थिंक वेरी वेरी यू नो हैप्पी टू काइंड ऑफ हैव द परफॉर्मेंस, और उसमें फिर ये है कि उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट लोगों को भी मिलेंगे, अथॉरिटी को भी मिलेंगे। आई थिंक इट्स डूइंग वेरी वेल। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात कि उसकी लोकेशन बहुत आइडियल थी, रिंग रोड से बिल्कुल करीब एंड अप फ्रंट मेन पे। अब आपने उसका पार्ट 2, चारबहार 2 जो है वो लॉन्च कर दिया है, उस बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि लोकेशन क्या है, कहाँ पर होगा, क्या क्या उसमें एक्टिविटीज़ होंगी। ठीक है जी। सो चारबाग इनक्लेव वी कॉल इट, जो 2 जिस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं जी। और हमारा प्योरली ख्याल ये था कि चारबाग 1 का अपना एक एम्बियंस था, एक उसका एक ऑनस्लॉट कह लेंगे, उसका एक वो था यू नो वट एवर, सो इट वॉज मोर ऑफ अ नीश जिसमें ज़्यादातर जो है थोड़े से एक्सपेंसिव प्लॉट्स थे, कमर्शियल जो वो थे वो भी जो उसकी वर्टिकल्स थे काफ़ी हाइट ज़्यादा थी। तो लोगों की ये भी एक्सपेक्टेशन थी कि रूडा क्या सिर्फ नीश या ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज़ बेचेगा। That has never been the case because RUDA is an authority, regulatory body, एक सिटी बना रही है, उसमें हर जो क्लास के लोग होंगे, मिडिल इनकम भी होंगे, लार्ज इनकम भी होगी, यू नो लो मीडियम इनकम जो होगा उनको सबको कैटर फॉर करना था। तो चारबाग 2 इनक्लेव जो है, जिसको हम चारबाग इनक्लेव कहते हैं, उसको लाने का मेन मकसद ही यही था। इन टर्म्स ऑफ उसकी लोकेशन अगर आप सीमल पूछें तो वो तकरीबन 3.5 किलोमीटर्स रिंग रोड से ऑफ थोड़ा सा है, बट उसके साथ एक कनेक्टिविटी का रोड है जो कि फर्स्ट इसकी प्राइमरी कनेक्टिविटी है ठहरी रोड के नाम से, एंड देन सेकेंडरी कनेक्टिविटी हम फ्रॉम चारबाग 1 टू चारबाग इनक्लेव हम लेके जाएंगे, वो सेकेंडरी इसकी कनेक्टिविटी है। मतलब कार्पेटेड रोड सिर्फ ना सिर्फ इन दोनों को कनेक्ट करेगा, चारबाग 1 और इनक्लेव को, बल्कि रिंग रोड से भी एक कार्पेटेड रोड। सो रिंग रोड से तो मेन आएगा इंटरजेक्शन, वो चारबाग के अंदर जाएगा और वहीं से फिर चारबाग 2 की तरफ भी जा रहा होगा, तो वो कनेक्टिविटी फुली होगी और जो एंड यूजर होंगे उनके लिए वो प्रॉपर कनेक्टिविटी अवेलेबल होगी। सो दैट इज नंबर 1 लोकेशन जो है। नंबर 2 में जो टाइप ऑफ जो प्लॉट्स अवेलेबल हैं जो इवेंचुअली घर बनेंगे वो भी हमने थोड़े से, जो मैंने आपको बताया कि मिडिल इनकम या हाई मिडिल इनकम या लो मिडिल इनकम के लिए, सो वी हैव 3 मरलाज, वी हैव 5 मरलाज, वी हैव 7 मरलाज, वी हैव 10 मरलाज, और वो उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। सो हमने रिसेंटली तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले हमने एक इवेंट किया, उसको हमने तमाम इन्वेस्टर्स को भी इसमें बुलाया और JV पार्टनर्स को हमने बुलाया वहाँ पे,
और आप यकीन कीजिए कि देर वॉज अ ग्रेट रिस्पॉन्स फ्राम द इन्वेस्टर्स। तकरीबन 30% इन्वेंट्री उन्होंने राइट एट द अपफ्रंट उन्होंने उसके बारे में अपने लेटर ऑफ इंटरेस्ट दे दिए। दैट रियली एड्स इनटू माय कॉन्फिडेंस कि एक तो इन्वेस्टर्स जो है उनका कॉन्फिडेंस भी है, और इसके अलावा हमने जो जो हमने पब्लिक एट लार्ज को भी हमने जब इंगेज किया तो वहाँ से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। दैट शोज अस एंड गिव्स अस अ कॉन्फिडेंस कि जो ट्रांसपेरेंसी के साथ हम चलना चाह रहे हैं वो फिर इवेंचुअली वो ट्रांसलेट करिए लोगों के कॉन्फिडेंस। बिल्कुल सही, एंड पीपल आर लुकिंग फॉर सच अपॉर्चुनिटीज जहाँ पर वो अपना हलाल कमाया हुआ पैसा, रिटायरमेंट के बाद का पैसा या कोई एसेट है उनके पास तो वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि फ्यूचर सिक्योर हो जाए उनके जनरेशन का। और बहुत कम ऐसी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, स्पेशली जब हम हाउसिंग अथॉरिटीज़ की बात करते हैं, सोसाइटीज़ की बात करते हैं, तो बहुत कंफ्यूजन आ जाती है, एलडीए अप्रूव्ड है या नहीं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है या नहीं, फ्यूचर क्या होगा उसका। तो जब गवर्नमेंट की स्टैम्प भी आपके साथ हो तो एक तरह से ट्रस्ट जो है वो डबल हो जाता है लोगों का। बिल्कुल ऐसे ही। एक चीज़ मैं और ऐड करता चलूँ, आई थिंक दैट्स फ्रॉम द कंज्यूमर स्टैंड पॉइंट, जो लोग वहाँ पर आना चाहते हैं। कई लोग हमारे जाहिर सी बात है ख्वाहिश होती है कि DHA या उसके अतराफ में आकर रहना शुरू करें, वहाँ पर ऑब्वियसली उसका एक लाइफ स्टाइल एंड ऑल दैट। बट बाज़ोकात जो एक कंस्ट्रेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, यहाँ पे हमने एक चीज़ और कैटर फॉर की है कि ये बहुत ज़्यादा डिफेंस से दूर भी नहीं है, बट जो लाइफ स्टाइल हम वहाँ पे ऑफर कर रहे हैं वो डिफेंस की नौीयत का ही है, और प्लॉट्स की कीमत भी रिलेटिवली कम है, एक्सेसिबिलिटी भी हम प्रॉपरली ऑफर कर रहे हैं। तो आई थिंक ये और एडवांटेज है जो हजरात या जो लोग इस एरिया में आना चाहते हैं। रिंग रोड ऑब्वियसली इज अ कनेक्टिंग, यू नो वहाँ से कनेक्ट हो रही है और अच्छी एक्सेसिबिलिटी मिल रही है, तो वो भी एक एलिमेंट है कि लोगों को वो लाइफस्टाइल भी ऑफर कर रहे हैं एट द लो कॉस्ट। फिर एक चार बाग से हमने लर्निंग ये ली कि वहाँ पे हमने 3 years का पेमेंट साइकिल दिया था, यहाँ पे हमने इसको 4 साल का कर दिया कि अगर इंस्टॉलमेंट अमाउंट ज्यादा इजी बना और इजी बना दिया ताकि लोगों को जो 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 सैलरीड क्लास है उनको भी अफोर्डेबिलिटी उसकी मिल सके। दीज आर दी ऑल यू नो पॉजिटिव साइड व्हिच वी हैव ट्राई टू यू नो इनकॉर्पोरेट इनटू दी इनक्लेव, एंड उसमें इंशाल्लाह हमें अच्छा रिस्पॉन्स। बिल्कुल सही सर, इन द एंड मैं चाहूंगी कि एक मैसेज जो आप उन लोगों को देना चाहें हु आर इंटरेस्टेड इन दिस, जो आना चाहते हैं टू बी अ पार्ट ऑफ दिस चारबहार इनक्लेव, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? व्हाट्स द प्रॉपर वे, वेबसाइट है या कोई इन्फॉर्मेशन है जो आप शेयर करना चाहें? सो प्राइमरीली हमने ये किया है कि वी हैव यू नो ऑल द मीडियाज अवेलेबल, उसमें डिजिटल भी है, उसमें वेबसाइट भी अवेलेबल है जिसके थ्रू आप ऑब्वियसली अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है जो मैसेज हमारे ऑडियंस के लिए है और हमारे जो एंड कंस्यूमर इवेंचुअली आना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी इज समथिंग वी विल लाइक टू मेक श्योर कि आपको किसी किस्म का कोई कबाहत, किसी किस्म की कोई परेशानी और वो ना हो, जो जनरली होता है कि कोई स्कैम्स होते हैं ऑल दैट, वी विल मेक श्योर दैट ऑल एवरी ट्रांजेक्शन हैपन्स देयर इज अ ट्रांसपेरेंट एंड उसको प्रॉपर अकाउंट फॉर है, हमारी वेबसाइट पर उसकी पूरी अकाउंटेबिलिटी अवेलेबल है, तो वो विल प्रोवाइड यू द कम्फर्ट एक्चुअली। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। हम बात कर रहे हैं रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और उनके प्रोजेक्ट्स के हवाले से और वो तमाम चीज़ें जो इस पूरे प्रोजेक्ट के अंडर आ रही हैं जिससे एंड कंज्यूमर्स को, लोगों को ना सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं बल्कि अल्टीमेटली जो है वो फ़ायदा भी उन्हीं का होगा, और वो तमाम इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हम अब से कुछ देर पहले जब काशिफ साहब से बात कर रहे थे तो उन्होंने एक जिक्र किया कि चहार बाग के साथ हम एक विलेज को रिवैम्प कर रहे हैं। रिवैम्प से मेरी मुराद कि उसको अपग्रेड किया जा रहा है, उन विलेजेस की लाइफस्टाइल बेसिक नेसेसिटीज़ को मेक श्योर किया जाएगा कि किस तरह से उसमें बेहतरी लाई जा सके। असल में प्रोजेक्ट है क्या, क्यों किया जा रहा है और किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टर रिलेशंस मौजूद हैं फातिमा अली खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। यू मोस्ट वेलकम। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एग्जैक्ट सोर्स से जो है वो आवाम तक पहुँचाएं, बिकॉज पीपल आर वेरी कीन एंड दे वॉन्ट टू नो कि हो क्या रहा है रूडा में, दे वॉन्ट टू इन्वेस्ट और वो तमाम चीज़ें। सो हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं और अक्सर प्रोग्राम्स भी करते रहते हैं। ये जो आज मैं जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रही हूँ ये बड़ा नया है, डिफरेंट है, नथ विलेज को रिवैम्प किया जा रहा है। अब क्यों किया जा रहा है सबसे पहले तो ये बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये जो एक मेगा प्रोजेक्ट है ये सिर्फ एक अर्बनाइजेशन का प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक विजन है, इसके अंदर एक सोल है जो हमारे मोहतरम सीईओ साहब इमरान अमीन साहब की देखी हुई एक फार साइटेड अप्रोच है जिसकी वजह से ये नथ विलेज का जो प्रोजेक्ट है हमने टेकअप किया। इमरान साहब का कहना है कि हम सिर्फ एक शहर
इसलिए अर्बनाइज नहीं कर रहे कि वी वॉन्ट टू अर्बनाइज अ सिटी, वी वॉन्ट टू ब्रिंग इन पॉपुलेशन इन दैट सिटी, वी वॉन्ट टू ब्रिंग बिल्डिंग्स एंड अमेनिटीज एंड एवरीथिंग. हम वहाँ के जो जो पट्टी 148,000 एकड़ की जो आ रही है डिस्ट्रिक्ट लाहौर और डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा को मिला के, वो एक पट्टी जिसके अंदर बहुत सारे अंडर प्रिविलेज्ड गांव मोज़े वगैरह लगते हैं. इमरान साहब का कहना है कि हमें उसकी अपलिफ्ट जो है उसके अंदर एक सोल फूंकने की ज़रूरत है. इट्स नॉट जस्ट दैट वी आर गोइंग टू कम्प्लीटली फोकस ऑन अर्बनाइजिंग दिस एरिया, बट वी आर गोइंग टू फोकस ऑल्सो ऑन टारगेटिंग टू अपलिफ्ट द एग्जिस्टिंग एरियाज देयर जो कि इस वक्त अंडर प्रिविलेज्ड हैं और बेतवज्जही का शिकार है. तो नॉर्थ विलेज जो है वो उसी उनकी विजन की एक कड़ी है. नॉर्थ विलेज एक 1200 लोगों की आबादी पे मुश्तमिल एक एरिया है जो कि 20 एकड़ का एक छोटा सा गांव है और बहुत अलमशहूर नूरी नाथ जो हैं वो इसी से बिलोंग करते हैं. और हमने एज अ टीम, मैं इस प्रोजेक्ट की कस्टोडियन हूँ एंड आई एम द वन लीडिंग दिस प्रोजेक्ट विद माई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर काशिफ साहब जिनके साथ आपकी बात हुई कमर्शियल. हम इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे हैं, इसके अंदर हम उनकी अर्बन प्लानिंग के एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे हैं और हम ये एक जो प्रोजेक्ट है उसको अकेले नहीं लीड कर रहे हैं, बिकॉज वी बिलीव कि हुकूमत की भी आजकल इतनी काविशें हैं. हमारे सीएम माशाल्लाह जाते हैं और वो इतनी स्पीड से अपलिफ्ट के काम को करवाते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चरल कामों के ऊपर उनकी इतनी ज़्यादा तवज्जो है कि पंजाब में थोड़े अरसे में काफ़ी चेंज आया है. तो हम इसमें और डिपार्टमेंट्स को भी पंजाब गवर्नमेंट के ऑन बोर्ड लेके करना चाहते हैं. वी आर नॉट डूइंग इट अलोन, इट्स नॉट एन अलोन वेंचर, इट इज़ अ वेरी वेरी म्यूचुअल वेंचर विद अ लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स. अब हम, मैं आपको ये बताऊं कि हम इसके अंदर UNSDG के कुछ गोल्स हैं, ऑब्वियसली गोल्स तो ज़्यादा हैं, बट जो हमारे फिलहाल इमीडिएट एंड डूएबल गोल्स विच वी बिलीव के हैं हम उनको लेके चल रहे हैं, विच विल इंक्लूड हेल्थ एजुकेशन. हेल्थ एजुकेशन के अंदर वोकेशनल गाइडेंस आ जाती है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आ जाती है एंड वी आर गोइंग टू ऑल्सो टेक अप प्रोजेक्ट्स ऑफ सोशल प्रोटेक्शन ऑफ द मैसेज देयर, जो कि ऑलरेडी हुकूमत पंजाब के एम्बिट में है. दे आर ऑलरेडी डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब ऑन दैट, बट वी आर जस्ट गोइंग टू, क्योंकि हम ये मॉडल विलेज बनाना चाहते हैं और तो इसके अंदर हम उन का रोल जो है वो ज़रा हाईलाइट करना चाहते हैं. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. अच्छा, अक्सर कहा जाता है कि इंटरिम सेटअप में बड़ा मुश्किल होता है डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन के साथ काम करना. अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आई पंजाब गवर्नमेंट के या पंजाब के डिपार्टमेंट्स के साथ कोलैबोरेट करने में, इनिशिएट करने में? नॉट एट ऑल, बिकॉज मैंने देखा है कि जो इस वक्त डिपार्टमेंट्स का मोड है और वो आई थिंक एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, बिकॉज वो हमारे जो सीएम का जो एक मोड है कि कम वक्त में वो मैक्सिमम डिलीवरी देना चाह रहे हैं. तो आई थिंक वो जो एक इफेक्ट है वो बड़ा ट्रिकल डाउन इफेक्ट है जो कि बाकी डिपार्टमेंट्स में भी आया है. और मुझे ऐसा कोई बॉटलनेक नहीं आया किसी भी डिपार्टमेंट के साथ लीयर्स करते हुए कि नहीं कि फिलहाल नहीं हो सकता. उनको ये पता है कि बिकॉज सीएम की इतनी स्पीड है, इतनी प्रायोरिटी है, तो ऑब्वियसली इट्स ऑल अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट. बिल्कुल, एक गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म से जा रहे हैं. बिल्कुल सही. इन दी एंड फातिमा जी, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगी कि टाइम फ्रेम कितना दिया जाता है, क्योंकि इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन. देखिए, बात दरअसल ये है कि इसके अंदर ऑब्वियसली कॉस्ट भी इन्वॉल्व है और हम एक सरकारी प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, उनकी अपने प्रोसीजरल ड्यू डिलीजेंसेस भी होते हैं. बिल्कुल. सो दोज डू टेक टाइम, बट एट द सेम टाइम बिकॉज रूडा is a government entity, but at the same time it's a commercial, it's working on a commercial model, it's working on a corporate model. So I think ke if I may not be too wrong, around 6 months to 8 months tak ka hum isko time denge ke jo humne planning ki hai uski execution uske according tak ka itna time hai aur uske baad we are in a
better position to hop on to our next job. बिल्कुल सही. थैंक यू सो मच फातिमा जी, आप हमारे साथ मौजूद थी. और हमने देखा है कि रूडा ने जब जब किसी टाइम फ्रेम का जिक्र किया है उससे पहले ही कहीं ना कहीं काम कंप्लीट हुआ. वो चाहे इंडस्ट्रियल एरिया का हम जिक्र कर रहे हैं, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र कर लें, चार बहार वन का जिक्र कर लें, तो ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो टाइम से पहले या विद इन टाइम फ्रेम जो है वो कंप्लीट कर लिए गए हैं. एंड आई एम श्योर कि ये नॉर्थ विलेज की रिवैम्प का जो प्रोजेक्ट है वो भी इसी टाइम में या इससे कम में कम्प्लीट हो जाएगा. थैंक यू सो मच फॉर बींग विद अस. रूडा स्पेशल शो हम कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें स्पेशली हम चारबाग इनक्लेव का जिक्र कर रहे हैं. ये वो पार्ट टू प्रोजेक्ट है जो अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ. क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है इसमें, किस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ इट, तो क्या इसमें सरकमस्टेंसेस हैं, उन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे. और इसके साथ साथ हमेशा एक कंसर्न रहता है जब भी पैसे इन्वॉल्व होते हैं, वो चाहे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो, आपका लाइफस्टाइल अपग्रेड करने की सूरत में हो, आपको पेबैक भी चाहिए होता है, आपको उसको रिजल्ट में बेनिफिट्स भी चाहिए होते हैं. तो क्या क्या बेनिफिट्स ऑफर कर रहा है रूडा अपने इस प्रोजेक्ट में, इस पर हम बात करेंगे. डायरेक्टर सेल्स एंड कस्टमर सर्विसेज शहरयार राणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप? ठीक ठाक जी, आप कैसे? सर, हम सबसे पहले तो रूडा के हवाले से जो शो करते हैं उसमें हमारी कोशिश होती है कि पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम इंटरेस्टेड लोगों में और जो लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं उनको मेक श्योर कर सकें कि इट्स अ ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट. उसमें उनको बेनिफिट्स भी मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी. चार बहाग टू जो इनक्लेव के नाम से अब आ रहा है, क्यों ये दोबारा से शुरू किया गया? क्या फर्स्ट की सक्सेस इतनी ह्यूज थी? देखिए जी, चारबाग ऑनक्लेव जो हमारा नया प्रोजेक्ट है उससे पहले ज़रूरी है कि हम समझ लें कि ये क्यों, एक तो जैसे हमने पूछा क्यों एग्जिस्टेंस में आया, उसकी जो फंडामेंटल जो उसकी वजह है वो ये है कि जो हमें एतमाद और ट्रस्ट अपने एप्लीकेंट्स और कस्टमर से और कॉम से मिला चारबाग के लिए, उससे मद्देनज़र रख के हमें लगा कि जी ये एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था जो हमने टाइम पे डिलीवर किया करने जा रहे हैं. और उसी वजह से जो उसकी एक डिमांड थी, जो एक उसका ब्रांड बन गया था, उसकी वजह से हम अब चारबाग ऑनक्लेव की तरफ जा रहे हैं. चारबाग वन की जी जो फंडामेंटल सक्सेस स्टोरी है उसके तीन से चार पॉइंट्स में मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ. एक तो नंबर वन जी, इट इज़ रूडा की अथॉरिटी है जो हुकूमत पंजाब की है. सो अनलाइक मोस्ट, जैसे आपकी हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं, कुछ इलीगल होती हैं, कुछ आप पेमेंट्स देते हैं आपको पता नहीं होता, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं है बिकॉज इट इज़ होली सोली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से. सो जो ट्रस्ट का फैक्टर है वो बहुत ज़रूरी है, वो कायम है, वो उधर है. उसके ऊपर रूडा की इंतज़ामिया और हुकूमत पंजाब का सपोर्ट, रूडा के CEO, COO, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम बाकी जो हुकूमत के इदारे हैं, उनका एक भरपूर किरदार रहा है और आगे भी रहेगा. और वो एक और बहुत बड़ी वजह है जिससे लोगों ने रूडा को और चारबाग को ट्रस्ट किया है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, अपने पैसों को हुकूमत के साथ उसमें ट्रस्ट किया है, जो एक बहुत बड़ा आई थिंक एक पॉइंट है लोगों के ट्रस्ट के बारे में. अगर बात करें कि वो कितना ट्रस्ट गवर्नमेंट को करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स और अपने हार्ड अर्न्ड हक हलाल की कमाई के साथ, फिर उसमें एक बहुत बड़ा किरदार आप जैसे मीडिया के दोस्तों का है जी, जिन्होंने बहुत हमें सपोर्ट किया है थ्रू आउट चारबाग की जितनी भी मार्केटिंग हुई, जितना भी लॉन्च हुआ, जो शोज़ हुए, मीडिया ने एक बहुत बड़ा किरदार दिया है. एक बड़ा अच्छा उन्हें एक पॉजिटिव हमें सेंटिमेंट दिलवाया था पब्लिक से, लोगों से, क्योंकि जो चीज़ चारबाग जो है वो वही है जो आपको नज़र आती है. हम कोई फाइल्स और जैसे मोस्ट सोसाइटीज ऑपरेट करती हैं, फाइल्स भी हम उस तरह डील नहीं करते. सर, आई थिंक ट्रांसपेरेंसी, क्रेडिट ट्रांसपेरेंसी तो जी देखें, मेरा ख्याल है जहाँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जिधर आ जाती है, जहाँ एक रेगुलेटरी अथॉरिटी हुकूमत की आ जाती है, तो ट्रांसपेरेंसी ऑटोमेटिकली उसका अटैच होती है. उससे बड़ा कोई USP मेरा नहीं ख्याल कोई है. हैविंग सेड दैट, ऑफ कोर्स हम ऑन ग्राउंड जो प्लॉट्स हैं वो हम आगे दे रहे हैं, हम कोई ऐसी चीज हवा में नहीं दे रहे जैसे मोस्ट ऑफ सोसाइटीज देखते हैं, आए दिन बोर्ड लगे होते हैं कि इतने सालों बाद आपको प्लॉट दिखाया जाएगा, स्ट्रीट्स और सड़कें ब्रांड हुई होती हैं और अगले दिन आपको पता नहीं होता वो कहाँ गए. अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऐसा कुछ नहीं है, जो हम एक्चुअली प्रॉमिस करते हैं वही डिलीवर करते हैं. उसी की सक्सेस को देख के लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को हमने प्रोटेक्ट किया है जी. एक छोटी सी एग्जाम्पल दे दूँ, पिछले एक साल के अंदर जो लोगों ने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट की है चार बार के अंदर जी, वो अब हमें तकरीबन 18% उस पर उनको इजाफा दे दिया. फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो अगर एक 10 मरले की प्राइस एक्स थी, अब वो हमने इंक्रीज कर दिए, जिसका मतलब ये है कि जिन लोगों की ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको अल्टीमेटली. एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं फिर डेवलपमेंट होती है, वो खुद ब खुद आपका जो बेनिफिट्स हैं वो आना. आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली दैट्स हाउ इट वर्क्स. और इन मुश्किल हालात में वो ट्रस्ट अभी भी हमने मेंटेन किया हुआ है लोगों के साथ, और वही वजह है कि हम ये
प्राइस की कोई भी हम बात कर सकते हैं। बिल्कुल, इस सब को रख के हम अब चारबाग एनक्लेव लॉन्च करने जा रहे हैं। 3 मरले, 5 मरले, 7 मरले, 10 मरले और 1 कनाल की इन्वेंट्री है। ये स्पेसिफिकली जी है लोअर इनकम से मिडिल इनकम और हाई इनकम ग्रुप को हम टारगेट्स करेंगे। बहुत से हमारे ऐसे साथी हैं पाकिस्तानी जो जीसीसी के एरिया में हैं, यूएई के अंदर हैं, उनका बहुत इंटरेस्ट है। वाइट कॉलर ब्लू कॉलर जो हमारी कॉम उधर काम कर रही है डिफरेंट शोबों में जीसीसी के अंदर, उनका एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। उनकी तरफ से हमें बहुत एप्लीकेशंस, बहुत क्वेरीज आती हैं। बट इन दोनों चीज़ों का जो सबसे बड़ा आप कह लें जो एक फैक्टर है जो हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, बहुत ज़रूरी है और जो एक बैकबोन बनती है सारे ऑपरेशन की, वो हमारे तमाम सेल पार्टनर्स हैं। हमारे सेल पार्टनर्स वो लोग हैं जो हमारे लिए मार्केट के साथ इन टच हैं, मार्केट को टैप कर रहे हैं, एक ब्रिज का रोल प्ले ब्रिज करते हैं और उनका बहुत एक अहम रोल है। और हमारा असल में जो रोल है एज एन अथॉरिटी उनको यही है कि उनको हम जितना बेहतर और जितना अच्छे तरीके से सपोर्ट कर सकें, उनके तमाम जो मसले हैं उनको हम हल करें। बिल्कुल सही। टाइम फ्रेम की अगर हम जिक्र कर लें इन दी एंड, क्योंकि चारबाग वन में उस टाइम फ्रेम को ना सिर्फ फॉलो किया गया बल्कि एक्चुअली अकॉर्डिंगली उसके चीज़ें जो हैं वो स्मूथली रन की, इसके ऊपर भी कोई टाइम फ्रेम रखा जी? बिल्कुल जी, इंशाल्लाह वही हम जो मोटिवेशन है वही हम प्लान सारा लेके चलेंगे। चारबाग वन जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, इस साल नवंबर में उसकी पोजीशन भी हैंड ओवर हो जाएगी तमाम एप्लीकेंट्स को। बहुत टाइमली फैशन से वो चला जी अल्हम्दुलिल्लाह। जो इंजीनियरिंग की हमारी टीम है और जो बाकी जो हमारे साथी स्टेक होल्डर्स जिन्होंने सपोर्ट किया है वो देव बीन वेरी इफेक्टिव जी। ऑब्वियसली उसके अंदर क्रेडिट जाता है इंतजामिया को, रूडा की सीईओ साहब को, सीओओ को, तमाम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को जिन्होंने इसे दिन रात लिटरली फॉलो अप किया है, काम किया है। और ऑफकोर्स ये सब कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता हुकूमत की सपोर्ट के बगैर। सो तमाम स्टेक होल्डर्स, हुकूमत की जितनी मशीनरी है जी, सारों ने अपना रोल प्ले किया और इंशाल्लाह उसी जज्बे के साथ और उसी माइंडसेट के साथ इंशाल्लाह चारबाग वन क्लेव भी डिलीवर करेंगे। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। चारबाग जो पार्ट टू है वो अब शुरू हो चुका है, लॉन्च हो चुका है और मुझे लग रहा है कि हमने उसके बारे में बहुत बात की और आपको इन्फॉर्मेशन भी दी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं जो असल रूडा की सोल है उसको मिस कर रही हूँ, उसके ऊपर बात करना चाह रही हूँ और लोगों को बताना चाह रही हूँ कि असल में रूडा काम कर क्या रहा है, किस तरह से एक नया शहर आबाद किया जा रहा है, किस तरह से उस नए शहर में पानी साफ होगा, किस तरह से वहाँ पर तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम होगा, लोगों को क्या बेनिफिट्स होंगे, वो चाहे इंडस्ट्रियल साइड है, वो चाहे रेजिडेंशियल साइड है, वो चाहे रावी पर बैराज बनाने के हवाले से हो, पानी को साफ करने का प्रोजेक्ट हो, रिसाइकिल करने के हवाले से, वेस्ट रिसाइकिल करने के हवाले से हो या जंगल आबाद करना हो, ये वो तमाम प्रोजेक्ट्स हैं जो रूडा का हिस्सा हैं। तो ओवरऑल रूडा प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा, किस तरह से काम हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। डायरेक्टर पीआर एंड कम्युनिकेशन आबिद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आबिद साहब क्या हाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक, थैंक यू। अभी हम बहुत से कमर्शियल एस्पेक्ट्स डिस्कस कर रहे थे बट मुझे लगा कि हमें असल सोल जो है रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की उसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। आपके ओवरऑल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं, किस तरह से काम हो रहा है? देखें, आपने जैसे अभी कहा इंट्रो में भी कहा आपने कि ये जो रूडा है इट इज़ बेसिकली इट इज़ नॉट अ प्रोजेक्ट, इट्स अ कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट ये है कि आपने जो रिवर को रिवाइव करना है जो कि एक डेड रिवर है, तो उस शहर को रिवाइव करना, उसके लिए सारी चीज़ें जिसमें रिवर का रिवाइवल, उसके अंदर पानी का की अवेलेबिलिटी ताकि एक्वीफर रिचार्ज हो जाए, उसके साथ फिर जैसे आपने कहा वेस्ट वाटर जो आ रहा है, जो शहर का सारा पानी रिवर जिसकी वजह से ये दुनिया का गंदा तरीन रिवर बन चुका हुआ है विच इज़ अ डेड रिवर, तो ये सारे एफर्ट्स हो रही हैं। अब कहाँ इस वक्त तक क्या क्या हो गया है जी? इस वक्त तक अगर आप देखें जैसे अभी आपने आपको बताया गया कि जो हमारे कमर्शियल विंग ने कि चार बाग वन तो लॉन्च हो चुका है माशाल्लाह और कंप्लीट हो चुका है, टू की लॉन्चिंग हो गई जी। इसी तरह जो हमारा रिवर की जो ट्रेनिंग है वो काफ़ी पेस अप हो चुकी हुई है, जिसमें एम्बैकमेंट्स जो हैं वो राइट साइड ऑफ द रिवर यानी राइट बैंक पे तकरीबन 3 किलोमीटर तक बन गई हैं। अच्छा। और लेफ्ट साइड पे भी अब शुरू हो गई है, वो आपने एक दफा शायद जाके और बिल्कुल मैंने देखा था जिसपे बड़ी तेजी से काम चल रहा था, वो बैराजेस बने हो या उसके साथ साथ काम या वो आगे जिस डिफरेंट उसके जो पैकेजेस होंगे तो फिर आगे जाके बैराज भी बन जाएगा शॉर्ट ऑफ शाहदरा। इसके साथ जो अफॉरेस्टेशन है जिसमें हम जो 9 फॉरेस्ट हैं रूडा के उनके ऊपर बहुत तेजी से अफॉरेस्टेशन हो रही है, इस साल भी हुई और अब हम उसके साथ साथ एक बोटैनिकल गार्डन जो है वो आई थिंक द बिगेस्ट इन द कंट्री विच विल बी इंशाल्लाह उस पर 1-2 महीने के अंदर काम शुरू हो जाएगा और अच्छा। नजर भी आएगा, विल टेक यू देयर ऑल्सो। और इस तरह से जो हमारा अब जो हमारी नेशनल कमिटमेंट है पेरिस एग्रीमेंट में जिसमें हमने
कार्बन की सिक्वेस्ट्रेशन करनी है और कार्बन ऑफसेट करना है, तो आई थिंक वो वाले मैयर्स भी रूडा इन बिल्ट वो मैयर्स हम ले रहे हैं। और जहाँ तक इंडस्ट्रियल एरिया में आपने देखा कि अब इंडस्ट्रियल एरिया जो हमारे रूडा के एरिया में आता है वहाँ पे सारा सीवरेज का सिस्टम नया और बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ वहाँ पर, रोड्स बन गई सारी और उसके साथ साथ बाकी वहाँ पे एमिनिटीज भी दी जा रही हैं। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है एमिशन कंट्रोल की, वो आई थिंक रूडा के एरिया में इंडस्ट्रीज आर द आई थिंक द ओनली प्लेस जहाँ पे अब ये कंपल्सरी है कि वहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री स्क्रबर के बगैर ऑपरेट नहीं करेगी आउट ऑफ कोई अबाउट। आई थिंक एक मॉडल सेगमेंट बना दिया आपने बाकी इंडस्ट्रियल जोन्स के लिए जो शहर में मौजूद हैं कि वो उसको रेप्लिकेट कर सके। और एनवायरनमेंट कंट्रोल स्मॉग के खास तौर पर जो इश्यूज हैं उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि देखें ये जो डिकेड है ये एनवायरनमेंट का और क्लाइमेट का डिकेड है, क्योंकि दैट इज द थिंग व्हिच इज हिटिंग अस हार्ड एंड राइट सिटिंग हिट लाहौर। आई थिंक द बिगेस्ट इशू ना सिर्फ हमारा बल्कि बाकी भी अब शहरों में वो स्मॉग का है। तो स्मॉग के ऊपर भी बहुत सारे मैयर्स जो हमने लिए हैं, बरूडा के एरिया के अंदर आप स्टबल जलाने की इजाज़त नहीं है, उस पर जुर्माना करते हैं, उसको बंद कर देते हैं। और इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ की एमिशन को कंट्रोल कर दिया गया है। फिर अवेयरनेस कैंपेन हम पिछले 3-4 महीने से स्मॉग के ऊपर बहुत एक्सटेंसिव कैंपेन्स चला रहे हैं। बिल्कुल सही। और सर आपका प्लांटेशन का जो प्रोजेक्ट है अल्टीमेटली इन फ्यूचर वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ना सिर्फ नए शहर के लिए बल्कि पुराने, जब रहने की जगह ही नहीं रहेगी तो पुराना शहर हो या नया शहर हो दोनों ही इफेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें अभी से मैयर करने की जरूरत है, अभी से मैयर करने की जरूरत है। देखें आप अगर आप देखें लाहौर का जो बेसिकली रूडा आप कॉन्सेप्ट की बात करी थी, जो जितने लाहौर के मसले हैं, अब इट्स अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी आफ्टर कराची एंड इन सम अदर मीन्स एंड टर्म्स इवन इट इज क्रॉसिंग द कराची इन टर्म्स ऑफ द टेरिटोरियल आउटरीच जो शहर की है बिकॉज ऑफ द रूरल एरिया विच इज अवेलेबल एट द पेरिफेरी और एट द जो है वो सब अर्बन और ट्रांस अर्बन जो एरियाज इसके अवेलेबल हैं। तो अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमने इस कॉन्सेप्ट में ये आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि जो वो आने वाला टाइम जिसमें ये सारे क्राइसिस उस मैग्नीट्यूड पे चले जाएंगे उनको एड्रेस किया जाए। तो जो रूडा है वो इन सारी चीज़ों को एड्रेस कर रहा है राइट फ्रॉम द ऑनसेट एंड साइमल्टेनियसली विद ऑल द कमर्शियल प्रोजेक्ट्स। जी साइमल्टेनियसली अब जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी हैं वो बहुत कमर्शियल नहीं है। अब देखें जो आप चारबाग 2 की आप बात कर रही थी वो तो है ही मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए मैसेस को एड्रेस किया जा रहा है, मैसेस को एड्रेस किया जा रहा है जिसमें 3 मरला 5 मरला इज द मेन कंटेंट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। तो इस तरह अगर आप देखिए तो वो सारी की सारी चीज़ें एड्रेस की जा रही हैं। अब जो हमारे नए सेयर्स हैं या जो लोग कहते हैं कि जी ये सारी चीज़ें हैं तो कब हैं, कब आएंगी, कब नज़र नहीं आ रही, नेचुरली ये क्योंकि इट इज़ नॉट अ सोसाइटी, ये कोई छोटा सा प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक पूरा शहर है जो आबाद करना है। और शहर सदियों में इवॉल्व होते हैं, वो सदियों का सफ़र हमने शायद 2 या 3 डिकेड्स में तय करना है। जब 2 या 3 डिकेड्स में तय करना है तो उसके लिए बहुत सारी जो मैयर्स हैं वो हम ले रहे हैं और उन मैयर्स को अपने मास्टर प्लान के तहत वो अब काम उस पर हो रहा है। आई थिंक नेक्स्ट 2 to 3 years ये जो सारी चीज़ें हम जो बात कर रहे हैं और नेक्स्ट 2 to 3 months से ये सारी चीज़ें नजर आना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और बहुत से प्रोजेक्ट्स आपने टाइमली कंप्लीट करके वो प्रॉमिस पूरा होता हुआ दिखाया भी है। जी, क्योंकि मैं अक्सर जब शुरू में शोज किया करती थी इंडस्ट्रियल साइड पर जाकर तो मैं सड़क पर खड़ी होकर कहती थी यहाँ पे कितना अर्सा लगेगा काम होने में, और दिल से मैं कह रही होती थी मुझे नहीं लगता ये कम्प्लीट होगा। और फिर मुझे गलत साबित किया रूडा ने जब 8-9 महीने के बाद एग्जैक्टली ऑन रोड वो सीवरेज सिस्टम वो सड़क बनाकर दिखा दी। तो I started trusting Ruda myself कि भाई ये जो कह रहे हैं वो actually promise है और वो exactly उसकी execution जो है वो होती भी नजर भी आ रही है। जैसे कहा जाता है ना success के लिए आपका competition सिर्फ आपके साथ है, आप किसी और के साथ कंपटीशन नहीं रखते, इसलिए रूडा का कंपटीशन सिर्फ रूडा के साथ है। बिल्कुल सही। वन ऑफ इट्स ओन काइंड प्रोजेक्ट जो पहले कभी सोचा नहीं गया, समझा नहीं गया, आज हमें होता हुआ नजर आ रहा है। और लोग इसकी ट्रांसपेरेंसी की ना सिर्फ तारीफ करते हैं, वही लोग जो शुरू में क्रिटिसाइज किया करते थे, जो शुरू में बातें किया करते थे, आज वही लोग इसका हिस्सा बनना चाहते हैं और बन रहे हैं। आई थिंक ये एक प्रोजेक्ट की सक्सेस जो है उसका मुंह बोलता सबूत भी है। और फिर जब गवर्नमेंट कोलैबोरेशन और गवर्नमेंट का साथ साथ हो तो चीजें और स्मूथ और बेहतर हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया आबिद साहब, आप हमारे
हमारे साथ मौजूद थे। गुड लक जी, ना सिर्फ उस नए शहर को आबाद करने के लिए बल्कि हम जैसे लोगों के लिए जो पुराने शहर में रह रहे हैं, चीज़ें मज़ीद बेहतर करने के लिए, क्योंकि दोनों चीज़ें जो हैं वो साथ साथ चल रही हैं। एब्सोल्युटली, नया शहर भी और पुराना शहर दोनों हमारे हैं। शहर तो हमारा है, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।